अंदर बैठ अंदर बैठ। ज्यादा मेरा इल्तिजा सा मखलूक। और आपको मौसम दिखाऊं यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिए। ना कुर्बान हो अफसोस सा मखलूक इंसान वो हकड़ा रहा था ना मिसवाल। आलू 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 नहीं है तरबूज है तरबूज। ज्यादा मेरा इल्तिजा। अभी मैं और अरसलान और हमारी टीम जो मौजूद है अभी हम हैं ताऊबट और ताऊबट में अभी जो हम मौजूद हैं कहाँ पर हैं हम कहाँ पर हैं हम कहाँ पर हैं आखिरी पॉइंट पे कश्मीर के आखिरी पॉइंट पे और यहाँ पे रास्ते खत्म हो गए। ये आप पीछे देख रहे हैं ये इंडिया है ये वो पानी है पानी है जो हमारा बंद नहीं करता था पानी कहते हैं पानी का हम गा के डैम बना रहे हैं वो पानी है जो आपको मैं दिखाता चलूं कि इंडिया पानी एंड हो गया यार एंड हो गया बॉस। यार क्या व्यू है यार सुभान अल्लाह यहाँ पे रोड खत्म हो जाता है बिल्कुल। हाँ, बस यहाँ से आगे गाड़ी नहीं आ सकती एंड पर हमने आखिरी पॉइंट टच कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं नारायण की तरफ। हाँ हाँ बस माशाल्लाह अभी हमने ये टूर कर रहा है यहाँ का कश्मीर पूरा आखिरी आखिरी जो गांव है ये आपको दिखाता चलूँ खूबसूरती आप देखें माशाल्लाह। ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं और ये आपको दिखाऊँ कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह आपको पानी दिखाता हूँ। हाँ इसने बड़ा साथ दिया चढ़नी है ना इसके ऊपर तो चढ़ने की बात नहीं है। हाँ। आपको अगर आना ना तो मैं मशवरा दूंगा कि आप ऐसी गाड़ी करवाएं प्राडो ना ये बात जो तो वो पुराने जमाने की गाड़ी है ना वो जीप वो मजा नहीं देंगे आपको फैमिली के साथ। ये बात तो है लेकिन ये आपको मैं दिखाता जा रहा था कि पानी माशाल्लाह यार आप व्यू देखें सुभान अल्लाह जहाँ नजर पड़े वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ आए सुभान अल्लाह कि अल्लाह ने कश्मीर को किसी जन्नत से कम नहीं बनाया और इसको जन्नत भी कहा जाता है। तो सुभान अल्लाह ये जो इधर भी आर्मी का बेस कैंप भी आखिरी आर्मी है बैठी हुई इससे आगे इंडिया की आर्मी है जो मैं आपको दिखाता चलूँ आगे आर्मी हमें अलाउ नहीं है वहाँ जाना हम ये पाकिस्तानी हदूद में ये हमारे आर्मी बैठी हुई है। ए रबा ए रबा फरियाद वाओ रजामा नामे दा इल्तिजा नामे दा इल्तिजा। ए रबा यहाँ पे खेती करते हैं लोग खेते हैं और ये आप देखें सुभान अल्लाह आपको इतना खूबसूरत किरण से ताऊबट और ताऊबट से किरण वापस जाने के लिए हमने जीप करवाई थी जिसने हमसे 30,000 रुपये लिए थे। जीप का ड्राइवर बहुत ही तजुर्बेकार और जीप बहुत ही आरामदेह थी जिसकी वजह से हमारा सफ़र बहुत हसीन और खुशगवार गुजरा। अस्सलाम वालेकुम भाई हम आ गए हैं केल और हम जा रहे हैं यहाँ से वापस कश्मीर फिर हम वहाँ ट्रैवल करेंगे नारायण के लिए। और अभी मैं आ रहा हूँ ताऊबट से और ताऊबट से जब मैं आ रहा था तो हमें बड़े ही क्लासिकल और एडवेंचर रास्ते मिले और हमें बारिश भी मिली देखने को और हसीन नज़ारे वाकई में कश्मीर बहुत खूबसूरत है। और हमने जो जीप बुक करवाई थी वो जीप ये है पराडो इसका जो कम्फर्ट है बहुत ही आला है और दूसरी गाड़ियों से बहुत अच्छा है ठीक है। उसके बाद भाई अभी हम जो है ना यहाँ पे खाना खाने रुके हैं
और बारिश बहुत तेज हो रही थी, अब एकदम धूप निकल आ गई। अरे ये हो क्या रहा है भाई, इतना सडन चेंज? तो भाई बड़ा मजा आ रहा है और दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मौसम है जैसे दिसंबर जनवरी में कराची में होता है। तो भाई मैं तो मशवरा दूंगा कि भाई थोड़ा खर्चा करके आप भी आ जाएं, आप इंजॉय करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखें सामने है अड़ंगखेल और इस वक्त हम मौजूद हैं केल पे, और नॉर्थ साइड पे है ताऊबर्ड। अब हमारे ताऊबर्ड से यहाँ वापस पे, और हमारी टीम जो है ना अभी वो खाना ना खा रही है, तो भाई मैं भी जाके खाना खाता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में नारायण में। ये लोग रेवड़ चलाते हुए आ रहे हैं, वहीं कहाँ से अल्लाह जाने, और कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। भाई कहाँ से लाते हैं इतने सारे जानवर ये लोग? अंदर बैठ, अंदर बैठ। जैसे ही हम किरण पहुंचे तो हमें वहां बहुत तेज बारिश मिली, जिसकी वजह से हमें अपनी वीडियो स्किप करनी पड़ी, और हम वहां से नारायण के लिए अपनी दूसरी गाड़ी में रवाना हो गए। और हम अभी टीम मेरी रहमान और मैं आए हैं केपी के, और यहाँ से हम जा रहे हैं नारायण, और रास्ते में हो गई थी बहुत टाइट बारिश, तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है यकीन मानो, और दिल बाकी में गार्डन गार्डन हो रहा है। और ये देखिए मेरा रियाई भी मौसम हो रहा है बहुत बेहतरीन माशाल्लाह से। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हम इंजॉय करें, और वाकई में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और किस्मत हमारा साथ दे रही है, हर पॉइंट पे हमें बारिश भी मिल रही है, और सर्दी गर्मी ये देखें रहमान भाई को देखें, आलू आलू नहीं है तरबूज 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 ये देखें तरबूज खा रहे हैं, मतलब बारिश में तरबूज खा रहे हैं यार, वही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं दिल मज़ा आ गया बस, बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं नारायण, हम वहाँ से मिलते हैं आपसे, फिर आपको वहाँ का भी दिखाएंगे और ड्रोन के शॉट्स दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे, फिर आप हमारे साथ जुड़े रहें, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़। So भाई हम यहाँ पे भुट्टा खा रहे हैं और बारिश हो रही है बड़ी बेहतरीन। मेहमान भाई किधर है, दिख नहीं रहे, भूख लग रही है भाई, भूख लग रही है, तो हमने भाई यहाँ पे ज़्यादा रोका है अभी, भाई भुट्टे बना रहे और मौसम बड़ा वी आई पी है। ये जी भाई यही इसको थोड़ा भूने तो सही से, पक्का पक्का तो कर देता उसको, कच्चा लग रहा है यार, थोड़ा और भून लो, थोड़ा कच्चा यार ये सर, कच्चा लग रहा है, थोड़ा भून लो उसको और, आप भूने तो सही थोड़ा और। सो भाई देखें किस तरह से हम मौसम को इन्जॉय कर रहे हैं, जगह जगह स्पोर्ट्स से रुक के कुछ ना कुछ खा रहे पी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और सामने देखें वो देखें वो देखो दिख रहा है मौसम, बेहतरीन मौसम वी आई पी, सुभान अल्लाह। एक भुट्टा 100 रुपये दे रहे हैं, तो 5 भुट्टे हो गए 500 रुपये, यार इतने पैसे तो जायज हैं इनके, क्योंकि इतनी मेहनत से बना रहे हैं, देखें बारिश में खड़े हुए हैं और लकड़ियाँ लेकर आते हैं, जितने इनके पास रिसोर्सेज हैं उससे सबसे सही 100 रुपये। फरियाद वाओ रजमा नामे दा इल्तिजा, नामे दा इल्तिजा, ए रबा।
अस्सलामुअलैकुम भाई, तो हम पहुंच गए हैं नारायण पहुंच गए भाई नारायण। और आपको मौसम दिखाऊं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखें। सुभान अल्लाह माशाल्लाह से अगर मौसम की बात करें तो बहुत ठंड हो रही है अभी शाम के 5-6 बज रहे तो टेम्परेचर जो है वो 8-9 के बीच में है। लेकिन अगर पहाड़ दिखाए आपको जो भाई, आप देखो सही हो रही है। सामान उतर रहा है गाड़ी से हमारा, ना सामान आ चुका है अंदर। ओहो असलम भाई क्या बात है यार, क्या मजा आ गया। आप ये ठंड मान रहे थे ना, मैं तो ये आप ये ठंड मान रहे और आप क्या कह रहे थे ठंड नहीं होगी इतने गर्म रखवा रहे हो, आप मानते हो ना। जैकेट पहन ली भाई, इतना बताओ ठंड या नहीं है। ठंड बहुत है, मजा आ रहा है। गार्डन पहले से आराम है, आराम नहीं होगा रात को भाई। अरसलान भाई जो अरसलान बोल रहा था कहाँ ठंड है कराची में, तो उस टाइम हम भी कराची में। ये समझता नारायण में होगा कुछ, पर यहाँ पे आके जब ग्लेशियर देखे पहाड़ के, जब पहाड़ के हमने ग्लेशियर रोड पे देखे और ये नजारे देखे ऐसे ऐसे ठंड बढ़ती गई। हाँ ऐसे ही है यहाँ आधी। ओह बहुत ठंड है भाई, ठंड तो बहुत है। सामान उतर रहा है, हम जाते हैं जरा तैयार होते हैं भाई। हम रहमान भाई आप जाके वॉशरूम फ्रेश हो जाएं, जब तक मैं उनको गाइड करता हूँ लोगों को। भाई भाई यहाँ पे अगर आपको आना है तो ये होटल कौन सा भाई, होटल नंगे होटल तो हमने भी नाम नहीं रखा था जो अच्छा था भाई। हमें सीजन से पहले हम सीजन से पहले तो बहुत अच्छे रेट में मिला है हमें। 9,000 रुपये में बात हमने कर ली और 3 बेड वाला हमें जो रूम है वो 9,000 का पड़ा है, और वैसे ही 10-12 था बोल रहे थे। और होटल की लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा होटल है। एक मेरा रूम हाँ भाई, अलग 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 साथ ही अलग अलग क्या कर रहे हो ये जो चीखे थे ना, ये इन्होंने ये पकड़ा था, पहले किला कर दी ना, ये रॉड पकड़ी थी इन्होंने। ठंड तो हो रही है भाई, ठंड तो हो रही है, क्या बताएं माशाल्लाह भाई मजा आ गया। नो डाउट कराची के आप 45 डिग्री से डायरेक्ट आप 7-8 डिग्री और रात में ये 2-3 डिग्री पे है, तो कैसा मजा आ रहा है जून में। वो भी जून में हल्की जैकेट लगाया हूँ। हाँ तो भाई मतलब ये फिर वो वाली ब्लैक वाली लेके आनी चाहिए थी जो मोटी वाली जैकेट थी, यहाँ तो इस जैकेट का काम ही नहीं है मतलब। यहाँ नहीं है सारे मोटी, ये देखो लोग मोटी मोटी जैकेट होने आपके हाथ की, मुझे लगता है हालत टाइट हो गई, कड़क हो गए। चलो यार सर में फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम बाजार घूमेंगे, जरा बाजार में निकलेंगे सामान लेने के लिए। चलो। इसी तरह से आप हमारे से जुड़े रहें, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम आपको दिखाएंगे सैफुल मुल्क झील और उसकी खूबसूरती। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।